करने वाले एक बेहतरीन से प्लान के, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें आपको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन फ्रंट एलिवेशन की अगर बात करें तो आपको बेहतरीन सा देखने को मिलता है। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो बोल रहे थे सर मुझे ऐसा प्लान दीजिए जिसका इसमें पोर्च भी हो, साथ साथ आगे स्पेस हो और एक फ्रंट एलिवेशन जो हो उसका एक यूनिक हो और बेहतरीन सा हो। उन्हीं के कहने पर इस मॉडल को डिज़ाइन किया। आज हम पूरा डिस्कस करेंगे आपको बारी बारी से, इसमें मैंने क्या क्या क्रिएट किया है। इसमें सिर्फ फ्रंट में ओपन है और थ्री साइड क्लोज्ड मकान है, आप देख सकते हैं तीनों साइड से क्लोज है, सिर्फ आगे से आपका ओपन है और आगे से आपका रोड निकला है, उसी को देखते हुए पूरा डिज़ाइन क्रिएट किया गया है। तो इस मॉडल को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें स्मॉल हाउस प्लान को, क्योंकि स्मॉल हाउस प्लान पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते हैं, नए नए वीडियो मिलते हैं। आप इस चैनल पर आएंगे और आप इसे सब्सक्राइब करें, जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे नीचे एक लाल कलर का बटन आता है, उस पर सब्सक्राइब लिखा रहता है, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। तो आज का जो प्लान है ये पूरा डिस्कस करेंगे और ये 900 स्क्वायर फीट में ओवरऑल बना हुआ है, मतलब कि 30x30 का ये प्लान है। तो 900 स्क्वायर फीट में ये पूरा मकान है। तो सबसे पहले मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ, इसे आप इसका और थोड़ा रियलिस्टिक व्यू देख पाएँ। तो आप इसका रेलिंग का डिज़ाइन देखिएगा, बहुत ही प्रॉपर तरीके से क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर ये बीच में जो ये फूल टाइप का देख रहा है, फ्लावर टाइप का, ये रेलिंग का डिज़ाइन है। और इसके बाद यहाँ पर राउंड शेप में रेलिंग क्रिएट की गई है और इसका फिर से वही सिमिलर पैटर्न। इसके बाद पोर्च की बात करें तो ये फ्रंट में आपका दो पिलर पर बेहतरीन सा ये पोर्च डिज़ाइन किया गया है और ये आप साइड से भी देख लें। इसके बाद आपको पोर्च के बाद आपको ये बारंदा टाइप का मिलता है और आगे आपको स्पेस मिलता है, आप इसे एज अ क्या नाम बारंदा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर रेलिंग दिया है जिससे आपका बेहतरीन सा डिज़ाइन और लगे। दो आपका यहाँ पर विंडो है, फ्रंट का आपका गेट ये स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाएंगे। अब हम बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, ये जो आप ऊपर थोड़ा ब्लैक और ये पट्टियाँ देख रहा है इसे इग्नोर करें, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन है, यहाँ पर मैंने शो किया है। तो आप जैसे अंदर जाते, देखिए फ्रंट से आप अंदर जाते हैं तो आप चढ़कर स्टेयर से, और ये देखिएगा आप यहाँ से, आपको टॉप व्यू अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये रूफ है जो कि पोर्च को ढकता है, ये आपको दोनों ओपन है। इसके बाद मेन डोर से आप एंट्री करते हैं अंदर, तो अंदर जैसे ही जाते हैं तो आपको सबसे पहले एक बेहतरीन सा देखिएगा दो बेडरूम लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाते हैं। दोनों बेडरूम लेफ्ट हैंड साइड में आप दोनों विंडो लगवा सकते हैं। इसके बाद राइट हैंड साइड में मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं क्रिएट की हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें एक लॉन चाहिए था, एक बड़ा सा लॉन देखिए यहाँ पर ये निकल आया पूरा। इसके बाद ये आपका किचन एरिया है, आप इधर से किचन में एंट्री करेंगे। इसके बाद पीछे आते हैं लॉन में, लॉन से आपका स्टेयर्स दिया हो, इधर से चढ़ना स्टार्ट करेंगे और टर्न हो जाएंगे। इसी के नीचे से एक गेट दिया, ये देखिए लंबा लंबा लेट एंड बाथ बना है काफ़ी बड़ा, जो कि किचन के जस्ट पीछे है। तो यहाँ पर इस एरिया में जो 30 तो आपका देखिए चौड़ाई और 30 लंबाई, तो 30 में आपका लगभग 10 फिट तो आगे निकल गया ये पोर्च डिज़ाइन में, बचता है केवल 20 फिट अप्रॉक्स ये, लेकिन ये पूरा अभी 30 फिट है। तो 20 फिट में पूरा, मतलब इस मॉडल को अगर बात करें तो 30x20 में ओवरऑल बना है अगर पोर्च को हटा दें तो। तो ये दो बेडरूम और एक किचन बड़ा सा पीछे लेटरन बार, ये एक बेहतरीन सा हॉल, ये पूरा ग्राउंड फ्लोर बनकर रेडी हो जाता है। ये देखिए क्या प्रॉपर तरीके से आप देख पा रहे हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ रेलिंग का डिज़ाइन इसका पूरा बहुत ही स्टाइलिश। यहाँ पर जो पिलर दिए हैं वो थोड़े आपका क्लासिकल स्टाइल के हैं जो कि देख पा रहे हैं। तो ये ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई। फर्स्ट फ्लोर जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ मैंने क्रिएट नहीं किया है, 3.5 फीट का बाउंड्री और पूरा बेहतरीन सा ग्रिल बनाया है, स्टाइलिश सा रेलिंग बनाया है, ये वाला स्लोप रेलिंग है बीच में जो क्रिएट है, और इसका ये और एक रूफ है, मतलब छत है। तो ये आपका ओवरऑल 30x30 विथ पोर्च में बनकर रेडी हो जाता है। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें दोस्तों, तो कॉस्ट इसकी बहुत ही कम आने वाली, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया, सिर्फ सिंपल सा प्लान है, फिनिशिंग है और वाइट कलर का आप पुट्टी या पेंट जो भी कराना चाहें वो है, अगर यही सेम डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, या कलर आप डिफरेंट भी करवा सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो टोटल ये 30x20 में बना हुआ है आगे पोर्च को छोड़कर। तो यही पूरा बेहतरीन सा मॉडल है, आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए विजिटर हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आपको लगातार ऐसे अपडेटेड और बॉर्डर्स वीडियो हमारे यहाँ मिलते रहेंगे। तो स्मॉल हाउस प्लान आपको एक बेहतरीन सा आइडिया देता है घर बनाने के लिए, तो आप इससे जुड़ जाएँ
और साथ साथ कॉस्ट अगर आपको इसका फाइंड आउट करना है तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, एक एप्लीकेशन इसका नाम भी स्मॉल हाउस प्लान है, उसे डाउनलोड करिएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसमें टोटल कॉस्ट, टोटल मटेरियल सब कुछ बताएगा कितना लगने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।